तो गाइस अभी हम लोग रुका हुआ है फ्रूट का दुकान, ये रहा तेजी का फ्रूट दुकान। मम्मी तो हटो ना फ्रूट का शॉप। मम जाना चाहे ना तो अच्छा नहीं फोन से क्या बोला मैं अब अभी अच्छा से लेते हैं। मम्मी इधर देखो, बाय बाय हेलो बोलने का जगह तो गाइस मम्मी भी चला गया फ्रूट लेने के लिए क्योंकि पापा का जो चॉइस है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी को, इसलिए मम्मी भी चॉइस कर रहे हैं एप्पल जो मम्मी का चला गया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टूरिस्ट मून पागल, सभी को टासी दिले। तो गाइस आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम सभी लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ना गाइस आज हम सभी लोग बाबा मम्मी हम सभी लोग जा रहे हैं नामसाई। तो गाइस आप लोग ना थंबनेल तो देख ही लिया होगा और टाइटल भी, तो आप लोग एंड पे देखना कि हम लोग न्यू फैमिली मेम्बर। अभी हम लोग यहाँ पर रुका हुआ है क्योंकि मम्मी और पापा ना वाटरमेलन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाला मिल रहा है ना इसलिए। और आज मौसम भी देखो ना गाइस, ना बारिश है ना धूप है, बहुत ही बढ़िया मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और ये रहा मेरा सुपर हीरो पापा। और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल का सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले और लाइक भी कर दीजिए। नीड योर सपोर्ट गाइस। मेरा आवाज तो पुराना गर 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 हो रहा है ना क्योंकि गाड़ी में बैठ बैठ के बना रहा है ना इसलिए। और ना गाइस आज ना मैंने पहली बार ना वीडियो पे झुमका वाला इयररिंग लगाया, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। और ये इयररिंग ना मेरा ड्रेस के साथ थोड़ा मैच हो रहा है। और ये इयररिंग मुझे ना मेरा एक बचपन की सहेली ने गिफ्ट किया था उनको, अगर वो वीडियो पे देख रहे हैं तो उनको हम थैंक यू बोलना चाहेगा। तो ठीक है गाइस आप लोग वीडियो पे बने रहिए, है, मिलते हैं नामसाई में पहुंच कर ना मम्मी। जर्नी करते वक्त ना गाइस हमेशा कुछ ना कुछ तो खाने मन होता ही है, तो घर पे चॉकलेट था तो फिर यही चॉकलेट लेके आ गया, तो अभी हम सभी लोग खा रहे हैं चॉकलेट यमी यमी। गाइस हाथी देखने के लिए ना बहुत अच्छा लगता है लेकिन सामने जाने के लिए ना सामने से देखने के लिए बहुत डर लगता है, तो दूर से देखने के लिए अच्छा लगता है। आप लोग को भी अच्छा लगता हो ना देखने के लिए। देखो ना गाइस इतना सारा गाय जा रहा है, ऐसे समय में कभी भी गाड़ी स्पीड चला के नहीं जाना चाहिए, स्लो से जाना चाहिए, कुछ भी तो हो सकता है ना गाइस। इतना सारा गाय है, गाय का बच्चा लोग है, इतना प्यारा प्यारा मोरम से। फाइनली गाइस हम लोग अभी पहुंच गया है नामसाई, तो अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएगा हम लोग का रिश्तेदार के घर में। अभी हम लोग पहुंच गया गाइस और हम लोग अभी चाय हुई पी रहे हैं और उसके साथ देखो गाइस यहाँ पर क्या है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हम सभी लोगों का गाइस लंच करके भी हो गया, अभी हम खा रहे हैं दही, फिर खाया आइसक्रीम यमी यमी। और ये फ्लावर इतना सुंदर है ना गाइस। अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं गाइस, सभी लोगों से मिलके बातें वातें करके टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन इस बार हम वीडियो में किसी को भी नहीं दिखाया, नेक्स्ट टाइम जरूर दिखाएगा। ये देखो गाइस हम लोग का घर का न्यू फैमिली मेंबर, अभी तो किसका नाम नहीं रखा है मेरा बेटा है आपका बेटा छोटा अभी इसका नाम नहीं रखा है, नाम हम लोग सोच रहे हैं कि क्या रखना पड़ेगा, नाम रखे रखा नहीं
खेल रहे देखो ना। वाह अभी से खेल रहा है। बेबी बॉय ये क्या काट रहे हैं तो? हम लोग घूमने जा रहे हैं अभी घूमने के लिए ना। मेरी खुशी होता है मेरे बच्चे। मम्मी का छोटा बेटी घूमने जाएगा। चलो अभी घूमने के लिए जाएंगे। चलो चलो मम्मी घूमने जाएगा। चलो देखो बस बस इसको घूमने जाएगा बोलने से इतना खुश होता ना मम्मी। छोटू बेटा इधर वापस आ गया। बेबी बॉय को हम लोग लेके आया है नामसाई से। हम लोग रिश्तेदार का घर गया था ना वहीं से लेके आया। आनी ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया हम लोग को। थैंक यू आनी। देखो ना गाइस खेमो को इतना रात को भूख लग गया है। अभी बसने वाला है 11 बजे। वाह सुबह से नहीं खा के। हम लोग का न्यू फैमिली मेम्बर बेबी बॉय क्या कर रहा है, क्या खींच रहा है, किसको? खेरमू को। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखो ना गाइस अभी से ही इतना बदमाश। देखो ना गाइस इतना मोरम लग रहा है, गोदी में बैठा हुआ है मेरा इतना प्यार से। अभी तक हम इसका नाम सोचा नहीं है क्या रखेगा। गाइस अभी पापा हम दोनों ने यहाँ हॉस्पिटल आया हुआ है बेबी बॉय को दिखाने के लिए दवाई और इंजेक्शन के लिए। बेबी बॉय का ये पहला दवाई है, उसके बाद लेगा इंजेक्शन। दवाई पीने के लिए मान ही नहीं रहेगा इसे। एकदम मरम से जबरदस्ती खिलाना पड़ रहा है। समय हो गया है गाइस इंजेक्शन के लिए। बेबी बॉय का पहला इंजेक्शन है। देख के हमको भी बहुत डर लग रहा है गाइस। पता नहीं क्यों बचपन से इंजेक्शन बहुत डर लगता है। किसी और को मारा होने से भी ऐसा फील होता है जैसे कि खुद को ही मार रहा है। अभी भी ऐसा फील हो रहा है। इंजेक्शन मारने के बाद पता नहीं क्या हो गया बेबी बॉय ना चल ही नहीं पा रहा है गाइस। जिस पाँव में इंजेक्शन मारा है देखो ना वो पाँव तो रख ही नहीं पा रहा है और अच्छे से चल भी नहीं सक रहा है ये। ऐसा हो गया इंजेक्शन मारने के बाद। हम लोग का बेबी बॉय को क्या हो गया देखो ना गाइस। बहुत दुख लग रहा है हमको। आगे तक तो उठ रहा था अभी तो पूरा लेटा कर लेटा है उठ ही नहीं पा रहा है। हम लोग को मिलने के लिए भाई आया है। घर में कोई मेहमान आने से बहुत खुशी होता है। मालिक आ गया जैसे। नहीं बहुत बड़ा जैसे दिखाई दे रहा था मोबाइल में पहले तो अभी तो चलो पतला है मतलब छोटा है। हम लोग का घर में एक सर आया था और ट्विंस हम दोनों के लिए ला दिया हम लोग का फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेगा सर को हम दोनों की तरफ से। ये यम्मी यम्मी केक। खेरमो देखो कौन खाएगा। खेरमो का लच्छी खिलाएगा। खेरमो देखो कौन खाएगा। गाइस अभी हम लोग का बेबी बॉय बहुत ही अच्छा है और देखो ना गाइस खेरमो का साथ खेल रहा है। इनका फर्स्ट इंजेक्शन था इसलिए थोड़ा बीमार हो गया था। अभी बहुत ही अच्छा है खेल रहा है गाइस। बहुत ही खुशी लग रहा है देखकर। तो आज हम बना रहा है पीठा और पीठा बनाने के लिए बस इतना ही चाहिए और ये है पीसा हुआ चावल और ये है रेडीमेड कोकोनट और ये है आटा और ये है गुड़। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले गुड़ को उबला हुआ पानी में पकाना पड़ेगा गाइस। ये है पीसा हुआ चावल जो मैंने मिक्स कर लिया पानी में।
अभी इस पे डाल रहा है आटा। पिसा हुआ चावल और आटा को मैंने मिक्स कर लिया, तो अभी यहाँ पे डालेगा गुड़। गुड़ मिक्स करेगा, उसके बाद अभी तीनों को मिक्स कर रहा है गाइस। अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो गाइस तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी डालेगा कोकोनट पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। मैंने शुगर भी डाला है थोड़ा सा, लेकिन मैंने वो वीडियो लेने भूल गया। तो अभी इसको पकाएंगे गाइस। गाइस ये देखने में इतना मज़ा लगता है, देखो ना धीरे धीरे अपने आप फूल जाता है। तो ये आप पक के रेडी है। तो देखो गाइस पीठा रेडी है खाने के लिए, और देखकर बहुत ही यमी यमी लग रहा है, और खाने में भी गाइस बहुत ही यमी है।